वेलकम एवरीवन टू झलक, अ सीरीज ऑफ वीकली करंट अफेयर्स बाय बिशप पब्लिकेशन। मैं हूं पायल और आज झलक में हम जानेंगे पिछले हफ्ते की महत्वपूर्ण खबरों के बारे में, जो कि है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट और आपकी जनरल नॉलेज के लिए भी। तो चलिए बिना वक्त जाया किए शुरू करते हैं। भारत आटा। यूनियन मिनिस्टर फॉर कंज्यूमर अफेयर्स फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन पीयूष गोयल ने भारत ब्रांड के तहत उपभोक्ताओं को किफायती गेहूं का आटा उपलब्ध कराने के लिए एक महत्वपूर्ण पहल शुरू की है। इस पहल का उद्देश्य बाजार कीमतों के लिए एक लागत प्रभावी विकल्प यानी कॉस्ट इफेक्टिव ऑल्टरनेटिव प्रदान करना है। प्राइस मॉड्यूलेशन यानी मूल्य नियंत्रण में योगदान देना और आम उपभोक्ता यानी आम कस्टमर्स के वेलफेयर का समर्थन करना है। भारत आटा का लॉन्च किसानों का सपोर्ट करने और कंज्यूमर्स के लिए ज़रूरी वस्तुओं या ज़रूरी चीज़ों को किफ़ायती बनाए रखने के लिए ये सरकार के कमिटमेंट में एक महत्वपूर्ण कदम है। भारत ब्रांड के तहत पीयूष गोयल ने 27 करोड़ 50 लाख प्रति किलोग्राम से ज़्यादा कीमत पर गेहूं के आटे की बिक्री शुरू की है। अयोध्या सेट्स गिनीज रिकॉर्ड बाय लाइटिंग 22 लाख दीप्स। अयोध्या में सातवें दीपोत्सव में एक ही स्थान यानी एक ही जगह पर एक साथ दीपक जलाने का सबसे बड़ा आयोजन बनकर एक नया वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है, जिसमें सरयू नदी के किनारे 22 लाख से ज़्यादा दीये जलाए गए। गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड से सर्टिफिकेट मिलने पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने समस्त अयोध्या और वहां के निवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं दी। 2017 में उत्तर प्रदेश में भारत भाजपा के सत्ता में आने के बाद से दीपोत्सव यानी जो दीपों का ये उत्सव है राज्य में प्रमुख कार्यक्रम के रूप में विकसित हुआ है, जो हर साल बड़ी भीड़ और ज़्यादा महत्वपूर्ण भागीदारी को आकर्षित करता है। सीएम आदित्यनाथ, राज्यपाल आनंदीबेन पटेल और अन्य कैबिनेट सदस्यों ने इस कार्यक्रम में सक्रिय रूप से भाग लिया, सरयू नदी के तट पर दीपक जलाए और प्रार्थना की। ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान ग्राफ। एनसीआर और आसपास के एरियाज में एयर क्वालिटी मैनेजमेंट ने ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान यानी गार्प जो GARP के स्टेज 2 के अनुरूप एक पॉइंट एक्शन प्लान लागू की है, जिसका लक्ष्य एरियाज की एयर क्वालिटी में किसी भी अतिरिक्त गिरावट को रोकना है। में ग्राफ यानी GRAP में दिल्ली NCR क्षेत्र में विशिष्ट सीमा तक पहुंचने के बाद हवा की गुणवत्ता यानी एयर क्वालिटी में गिरावट को रोकने के लिए डिज़ाइन किए गए आपातकालीन उपाय शामिल हैं, जिसमें एनवायरनमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज जो है वो GRGARP लागू करता है। GRP के स्टेज 2 के अनुसार एक पॉइंट एक्शन प्लान जो है उसमें LNG, CNG, इलेक्ट्रिक ट्रक्स के साथ साथ जरूरी वस्तुएं और सेवाओं के परिवहन को छोड़कर दिल्ली में ट्रक यातायात के प्रवेश पर प्रतिबंध लगा दिया गया है यानी बैन लगा दिया गया है। जरूरी सेवा वाहकों को छोड़कर नॉन डेली रजिस्टर्ड लाइट कमर्शियल व्हीकल्स को दिल्ली में प्रवेश करने से बैन करना जब तक कि वो EV, CNG, BAS, 4 या डीजल ना हो। हाईवेज, रोड्स, फ्लाईओवर्स, पावर ट्रांसमिशन और पाइपलाइन जैसे लीनियर पब्लिक प्रोजेक्ट्स में कंस्ट्रक्शन और डीमोलिशन गतिविधियों पर प्रतिबंध लगाया गया है। NCR स्टेट गवर्नमेंट्स और GNCTD को क्लास फोर से लेकर 9th और 11th की भौतिक कक्षाओं को ऑनलाइन मोड में बदलने की सलाह दी है। सुप्रीम कोर्ट द्वारा पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और राजस्थान जैसे राज्यों में पराली जलाने पर रोक लगाने की जरूरत पर जोर देने के साथ प्रॉब्लमेटिक लॉन्ग ड्यूरेशन वाली पूसा 44 किस्म का विकल्प प्रदान करने की क्षमता से पूसा 2090 चावल की किस्म को लेकर चर्चा शुरू हो गई है। तो जानते हैं इसके बारे में थोड़ा। इंडियन एग्रीकल्चरल रिसर्च इंस्टीट्यूट द्वारा तैनात की गई लंबी अवधि की धान की किस्म पूसा 44 पराली जलाने में प्रमुख योगदान करता रही है। नर्सरी की बुआई से लेकर कटाई तक इसका विकास चक्र 155 से लेकर 160 दिन तक का होता है, जो अक्टूबर के आखिर में पक जाता है, जिससे अगली फसल के लिए खेत की तैयारी के लिए बहुत कम समय बचता है। और इसी समय की कमी के कारण किसान पराली जलाने का सहारा लेते हैं, जिससे काफ़ी सीरियस इन्वायरमेंटल इश्यूज पैदा हो जाते हैं। इसकी लंबी अवधि के बावजूद पूसा 44 की उच्च उपज वाली प्रगति औसतन 35-36 क्विंटल प्रति एकड़ इसे किसानों के बीच लोकप्रिय बनाती है। तो जो ये नया पूसा 2090 विकसित किया गया है, ये एक कोर से प्राप्त एक उन्नत संस्करण है, जो जल्दी पकने वाली जैपोनिका चावल लाइन है। आपको बता दें, ये तुलना में पैदावार बनाए रखते हुए 120 से लेकर 125 दिनों की छोटी अवधि में पक जाता है, जिससे पराली जलाने की मुख्य समस्या का समाधान हो सकता है। बैन ऑन यूज ऑफ बेरियम एंड अदर प्रोहिबिटेड केमिकल्स इन फायरक्रैकर्स। सुप्रीम कोर्ट ने पब्लिक हेल्थ एंड एनवायरनमेंट के प्रति अपने कमिटमेंट को उजागर करते हुए पटाखों में बेरियम और अन्य प्रोहिबिटेड केमिकल्स पर नेशन वाइड प्रतिबंध लगाने पर जोर दिया है। फायरवर्क्स में यानी जो ये पटाखे होते हैं, इनमें बेरियम सोल के इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगा दिया गया था, जिसको बैन कर दिया गया था। और ये अनिवार्य था कि पटाखों के शोर का स्तर अनुमेय सीमा का पालन करना चाहिए। इस सितंबर में एक फैसले में
सुप्रीम कोर्ट ने पटाखा निर्माताओं के संघ की उस याचिका को खारिज कर दिया है जिसमें शामिल पटाखों के इस्तेमाल की अनुमति देने और हरित पटाखों यानी ग्रीन पटाखे ग्रीन फायर क्रैकर्स में बेहतर एडिटिव्स के साथ बेरियम को शामिल करने की मांग की गई थी। अक्टूबर 2018 में सुप्रीम कोर्ट ने ग्रीन क्रैकर्स और जो कम पॉल्यूशन करते हैं उनको करने के लिए डिजाइन किए गए पटाखों जिन्हें आमतौर पर बेहतर पटाखे भी कहा जाता है उनको छोड़कर सभी पटाखों के उत्पादन और बिक्री पर बैन लगाकर एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। डीप फेक्स। एक भारतीय अभिनेत्री को दिखाने वाले डीप फेक वीडियो ने रियलिस्टिक लेकिन फेक वीडियो जिसे डीप फेक भी कहा जाता है बनाने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी AI के गलत इस्तेमाल पर नाराजगी और चिंता पैदा कर दी है। आपको बता दें डीप फेक सिंथेटिक मीडिया है जो AI का इस्तेमाल करके दृश्य यानी वीडियो और ऑडियो सामग्री में हेर फेर करने या उत्पन्न करने के लिए करते हैं आमतौर पर किसी को धोखा देने या गुमराह करने के इरादे से। डीप फेक जनरेटिव एडवाइजरियल नेटवर्क नामक तकनीक का इस्तेमाल करके बनाए जाते हैं जिसमें दो कंपीटिंग न्यूट्रल नेटवर्क शामिल होते हैं एक जनरेटर होता है और एक डिसकंपीटर होता है। तो जनरेटर नकली छवियां या वीडियो बनाने की कोशिश करता है जो रियलिस्टिक दिखती हैं जबकि जनरेटर असली और नकली के बीच को जो अंतर करने की कोशिश है वो करता है। तो डीप फेक के लिए स्रोत और लक्षित व्यक्तियों के फोटोज और वीडियोज जैसी बड़ी मात्रा में डेटा की जरूरत होती है जिसे अक्सर उनकी सहमति या जानकारी के बिना इंटरनेट या सोशल मीडिया पर इकट्ठा किया जाता है। डीप फेक डीप सिंथेसिस का एक हिस्सा है जो आभासी दृश्य बनाने के लिए पाठ चित्र ऑडियो सबको उत्पन्न करने के लिए गहरी शिक्षा और संबंधित वास्तविकता के साथ प्रौद्योगिकी एंड टेक्नोलॉजीज का इस्तेमाल करता है जो हर किसी के बस के लिए नहीं होता। डीप फेक तकनीकी तो बेसिकली ये जो डीप फेक है मोस्टली हैकर्स द्वारा यूज करी जाती है। डीप फेक जो ये टेक्नोलॉजी है व्यक्तियों की गोपनीयता गरिमा उनकी डिग्निटी की प्रतिष्ठा का उल्लंघन करती है और पीड़ितों खासकर की महिलाओं की मेंटल हेल्थ और उनको मेंटल हेल्थ को काफ़ी नुकसान पहुंचा सकती है जो इस तरह के मलिशियस मैनिपुलेशन यानी कि इनका जो भी हेयर फेयर होती है उसके जो भी रिजल्ट रहेंगे उसमें महिलाओं के लिए काफ़ी बुरी चीज़ है ये जो कि उनके अगेंस्ट में किसी भी तरीके से यूज़ करी जा सकती है। इंडियाज़ पॉलिंग फार्म एक्सपोर्ट। डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स डेटा के हाली आंकड़ों के अनुसार अप्रैल सितंबर 2023 में कृषि वस्तुओं का निर्यात यानी कि एक्सपोर्ट 26.6 बिलियन अमेरिकी डॉलर था जो अप्रैल सितंबर 2022 के 26.7 बिलियन अमेरिकी डॉलर से कम था। देयर हैज बीन अ ड्रॉप इन इम्पोर्ट्स एज वेल फ्रॉम $19.3 बिलियन टू $16.2 बिलियन रिजल्टिंग इन अ मार्जिनल डिप इन द एग्रीकल्चरल ट्रेड सरप्लस। अप्रैल से सितंबर 2023 की जो ये पीरियड था इसमें भारत के एग्रीकल्चरल एक्सपोर्ट्स में पिछले साल की तुलना में काफ़ी 11% से भी ज़्यादा की गिरावट आई है। इस गिरावट का जो श्रेय है वो सरकार द्वारा गेहूँ चावल और चीनी के साथ साथ और भी अलग अलग चीज़ों के एक्सपोर्ट्स पर बैन लगाना उसको दिया जा सकता है। सितंबर 2022 में टूटे हुए चावल के एक्सपोर्ट पर बैन लगा दिया गया था और सभी सफ़ेद गैर बासमती अनाज शिपमेंट पर 20% तक का शुल्क लगाया गया। जुलाई 2023 में सफ़ेद गैर बासमती चावल के एक्सपोर्ट पर पूरी तरह बैन लगा दिया गया था। इसके बाद केवल उबले हुए गैर बासमती और बासमती चावल के एक्सपोर्ट की अनुमति डेटा आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। इंडिया टॉप एग्री एक्सपोर्ट आइटम्स इन बिलियन द स्टेट ऑफ फूड एंड एग्रीकल्चर 2023 फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन की द स्टेट ऑफ फूड एंड एग्रीकल्चर 2023 नामक एक नई रिपोर्ट अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड्स और इन मतलब जो भी खाद्य पदार्थ होते हैं उनकी चौंका देने वाली छिपी हुई लागत का खुलासा करती है जो हमारी हेल्थ और एनवायरनमेंट दोनों को अफेक्ट कर सकता है। तो की पॉइंट अनहेल्दी डाइट जिसमें अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड्स फैट्स एंड शुगर्स का सेवन शामिल है उसके कारण काफ़ी छुपी हुई लागत भी सामने आती है। ये लागत सालाना $7 ट्रिलियन से ज़्यादा है जो मोटापे और गैर संचारी रोगों जैसे हेल्थ इश्यूज के आर्थिक बोझ को दर्शाती है। मेजॉरिटी ऑफ हिडन कॉस्ट वो जनरेटेड इन अपर मिडल इनकम दैट इज 39% एंड हाई इनकम कंट्रीज 36% विद लोअर मिडल इनकम कंट्रीज एट 22% एंड लो इनकम कंट्रीज एट 3%। India's total hidden costs in agri-food systems were approximately $1.1 trillion, ranking as the third largest globally after China and the US. ISA Steel Conclave 2023. हाल ही में ISA Steel Conclave 2023 का फोर्थ एडिशन आयोजित किया गया था जिसमें स्टील फर्मों को अपनी क्षमता बढ़ाने के लिए प्रेरित किया गया ताकि भारत का महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचा इनपुट का उत्पादन 2030 तक दो गुना होकर 300 मिलियन टन प्रतिवर्ष होगा।
आपको बता दें इस कार्यक्रम में भारत की वृद्धि और विकास में स्टील इंडस्ट्री की बहुमुखी भूमिका को रेखांकित करते हुए स्टील शेपिंग द सस्टेनेबल फ्यूचर विषय पर चर्चा की गई। फाइनेंशियल ईयर 2023 में 125.32 मिलियन टन कच्चे स्टील का उत्पादन और 121.29 मीट्रिक टन तैयार स्टील उत्पादन के साथ भारत कच्चे स्टील का दुनिया का सबसे बड़ा उत्पादक है। रिपोर्ट्स एंड एनालिसिस के बारे में बात करते हैं। कंपोजिट वाटर मैनेजमेंट इंडेक्स, द कंपोजिट वाटर मैनेजमेंट इंडेक्स इज लॉन्च बाय नीति आयोग टू प्रोवाइड एन एनुअल स्नैपशॉट ऑफ द वाटर सेक्टर स्टेटस एंड वाटर मैनेजमेंट परफॉर्मेंस ऑफ द स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज इन इंडिया। की पॉइंट्स, नीति आयोग द्वारा जून 2018 में लॉन्च किया गया CWMI के पहले संस्करण में भारत की जल चुनौतियों को प्रकाश डाला गया, उनको हाईलाइट किया गया। इसमें 2015-16, 2016-17 के डेटा का इस्तेमाल करते हुए 28 मापदंडों के आधार पर राज्यों की रेटिंग दी गई। ये रिपोर्ट नीति आयोग और तीन प्रमुख मंत्रालयों जिसमें वाटर रिसोर्सेज, ड्रिंकिंग वाटर एंड सैनिटेशन एंड रूरल डेवलपमेंट के बीच सहयोगात्मक प्रयासों का परिणाम था। नीति आयोग ने CWMI के तीसरे और चौथे दौर में दिल्ली के लिए COVID-19 महामारी के कारण अपडेटेड डेटा की अनुपलब्धता को जिम्मेदार ठहराया। UGC regulations open doors for foreign universities in India. University Grants Commission यानी UGC ने हाल ही में एक ऐसा नियम जारी किया है जो दुनिया के टॉप 500 में से शामिल विदेशी यूनिवर्सिटीज के लिए भारत में शाखा परिसर स्थापित करने का मार्ग प्रशस्त करते हैं। दो या दो से ज़्यादा विदेशी यूनिवर्सिटीज भारत में परिसर स्थापित करने के लिए सहयोग कर सकते हैं। इंडियन कैंपसेस के लिए नियुक्त अंतर्राष्ट्रीय संकाय को कम से कम एक सेमेस्टर के लिए देश में रहने के लिए प्रतिबद्ध होना होगा। स्थायी समिति के लिए आवेदनों पर कार्यवाही करने का समय 45 से बढ़कर 60 दिन कर दिया गया है। सभी फॉरेन यूनिवर्सिटीज़ को अपनी प्रवेश प्रक्रिया यानी जो भी एडमिशन प्रोसेस होगा, फीस स्ट्रक्चर तय करने और अपने मूल परिसरों में धन वापस भेजने की भी अनुमति है। इन नियमों के तहत कार्यक्रम ऑनलाइन या ओपन और डिस्टेंस लर्निंग मोड में पेश नहीं किया जा सकता है। ये जो भी फॉरेन यूनिवर्सिटीज हैं उनको एक बार के आवेदन शुल्क को छोड़कर UGC को वार्षिक शुल्क का भुगतान करने से छूट दी गई है। और ये जो भी यूनिवर्सिटीज हैं उनको भारतीय छात्रों को फुल और पार्शल मेरिट बेस्ड और नीड बेस्ड स्कॉलरशिप्स और फी कंसेशन टू इंडियन स्टूडेंट्स ये सभी प्रदान करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। पॉलिटी एंड गवर्नेंस, बिहार असेंबली पासेस बिल टू इंक्रीज रिजर्वेशन कोटा। बिहार विधानसभा ने विभिन्न समुदायों के लिए शैक्षणिक संस्थानों और सरकारी नौकरियों में रिजर्वेशन कोटा को बढ़ाने के लिए सर्वसम्मति से एक विधेयक पारित किया है यानी एक बिल पास किया है जिसमें SCs, STs और EBCs, OBCs के लिए जो भी पेड यूनिवर्सिटी कास्ट है, ट्राई में स्ट्रीमी बैकवर्ड क्लासेस हैं और अदर बैकवर्ड क्लासेस हैं के लिए कुल आरक्षण कोटा 50% से बढ़ाकर 63% कर दिया है। आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए मौजूदा 10% का कोटा के साथ प्रभावी आरक्षण 75% हो जाता है। ये बिल जो है इंक्लूसिव ग्रोथ पर जोर देता है और इसका उद्देश्य सामाजिक असमानताओं को दूर करना है। इंडिया स्मार्ट सिटी मिशन, द मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स लेटेस्ट डेटा एज ऑफ 3rd नवंबर 2023 प्रोवाइड्स इनसाइट्स इनटू द स्टेटस ऑफ इंडिया स्मार्ट सिटी मिशन। तो जानते हैं इसके बारे में। सूरत यानी गुजरात शीर्ष प्रदर्शन करने वाले शहरों के रूप में उभरा है जो प्रोजेक्ट्स को पूरा करने और धन के इस्तेमाल और समग्र मानदंडों में अग्रणी है। आगरा UP, अहमदाबाद गुजरात, वाराणसी UP और भोपाल मध्य प्रदेश ने सराहनीय प्रगति दिखाते हुए शीर्ष 5 शहरों में स्थान हासिल किया है। बाकी शीर्ष 10 में तुमकुरु कर्नाटक का, उदयपुर राजस्थान, मदुरै तमिलनाडु, कोटा राजस्थान और शिवमोगा कर्नाटक शामिल। आपको बता दें कुल परियोजनाओं में से लगभग 22% जिनकी कुल लागत 1.70 लाख करोड़ रुपये में है वो अभी भी चल रहा है और अधिकांश परियोजनाएं पूरी हो चुकी हैं जिसमें शामिल पैमाने और वित्त निवेश पर जोर दिया गया है। बाय इकोनॉमी रिपोर्ट 2022, भारत का लक्ष्य 2030 तक सकल घरेलू उत्पाद में बायो इकोनॉमी का योगदान 2.6% से बढ़ाकर 5% करना है, जैसा कि जैव प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा बायो इकोनॉमी रिपोर्ट 2022 में बताया गया है। भारत की बायो इकोनॉमी मजबूत विकास पथ पर है के 2025 तक 150 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक पहुंचने और 2030 तक 300 बिलियन अमेरिकी डॉलर से ज़्यादा होने का अनुमान है।
क्षेत्र में उल्लेखनीय 14.1% की वृद्धि हुई है, जो 2020 में 70.2 बिलियन अमेरिकी डॉलर की तुलना में 2021 में 80 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक पहुँच गया है। 54th International Film Festival of India. The 54th International Film Festival of India is set to unfold in Goa from November 20 to 28, 2023. केंद्रीय मंत्री श्री अनुराग ठाकुर ने वैश्विक मीडिया और मनोरंजन उद्योग में भारत के बढ़ते प्रभाव पर प्रकाश डालते हुए इस कार्यक्रम की घोषणा की है। भारतीय सूचना और प्रसारण मंत्रालय के तत्वाग्ध IFFI की एक प्रतिष्ठित विशेषता सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड है, जो विश्व सिनेमा में उत्कृष्टता का सम्मान करने के लिए प्रदान किया जाता है। मशहूर हॉलीवुड अभिनेता निर्माता माइकल डगलस इस प्रतिष्ठित पुरस्कार को स्वीकार करने के लिए कार्यक्रम की शोभा बढ़ाएंगे। आपको बता दें, IFFI के अंतर्राष्ट्रीय खंड में 198 फिल्में प्रदर्शित की जाएंगी, जिनमें से 13 विश्व प्रीमियर, 18 अंतर्राष्ट्रीय प्रीमियर और 62 एशिया प्रीमियर और 79 भारत प्रीमियर शामिल हैं। यूनेस्को ने हाल ही में अपने क्रिएटिव सिटीज नेटवर्क में 55 नए शहरों का स्वागत किया है। इनमें से 2 भारतीय शहरों कोझिकोड और ग्वालियर ने अपने सांस्कृतिक योगदान के लिए पहचान हासिल की है। कोझिकोड में साहित्यिक कार्यक्रमों की मेजबानी करने के लिए एक लंबी परंपरा है, जिसमें केरल साहित्य महोत्सव में शामिल है, जो एशिया की सबसे बड़ी साहित्यिक सभाओं में से एक है, जो कोझिकोड को बौद्धिक आदान प्रदान और साहित्यिक चर्चाओं के लिए एक महत्वपूर्ण केंद्र के रूप में प्रदर्शित करता है। आपको बता दें, कोझिकोड की साहित्यिक प्रतिबद्धता इसके 500 से ज्यादा पुस्तकालयों यानी लाइब्रेरीज के माध्यम से साफ है, जो ज्ञान प्रसार और पढ़ने की संस्कृति को बढ़ावा देने के प्रति इसकी समर्पण को उजागर करता है। 6th सेशन ऑफ इंडिया इथियोपिया जॉइंट ट्रेड कमिटी। इंडिया इथियोपिया ज्वाइंट ट्रेड कमेटी का 6th सत्र हाल ही में इथियोपिया के अधीन अबावा में संपन्न हुआ, जिसमें आर्थिक संबंधों को मजबूत करने के लिए दोनों देशों के अधिकारी एक साथ आए थे। भारत ने इथियोपिया के एफ स्विच के साथ यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस यानी UPI को एकीकृत करने पर सहयोग करने के लिए इथियोपिया को आमंत्रित किया है। भारत ने इथियोपिया से द्विपक्षीय व्यापार को बढ़ाने और विदेशी मुद्रा के संरक्षण के लिए स्थानीय मुद्रा में व्यापार लेन देन निपटाने का पता लगाने का आग्रह किया है। इसमें हेल्थ और फार्मास्यूटिकल्स, ऑटोमोबाइल, कपड़ा, बुनियादी ढांचा परियोजनाएं, भोजन और कृषि संबंधी को आपसी निवेश के प्रमुख क्षेत्रों में पहचानना के रूप में पहचाना गया है। आपको बता दें, भारत इथियोपिया का दूसरा सबसे बड़ा निर्यातक है। इंडस एक्स इन्वेस्टर्स ने इनोवेशन फॉर डिफेंस एक्सेलेंस और अमेरिकी रक्षा विभाग में रक्षा नवाचार में सहयोग को बढ़ावा देते हुए नई दिल्ली में उद्घाटन इंडस एक्स एंटरप्राइज मीट का आयोजन किया। इस कार्यक्रम में इंडस एक्स एजुकेशनल सीरीज का शुभारंभ किया गया, जिसका उद्देश्य भारत और अमेरिका के रक्षा पारिस्थितिकी तंत्र में नव तंत्र में स्टार्टअप का मार्गदर्शन करना था। पैनल चर्चा रक्षा क्षेत्र में निवेश के मौके, सहयोग और सह उत्पादन के लिए स्थायी वाणिज्यिक आधार स्थापित करने पर केंद्रित थी। जून 2023 में शुरू की गई भारत अमेरिका रक्षा त्वरण पारिस्थितिकी तंत्र इंडस एक्स पहल का उद्देश्य भारत और अमेरिका के बीच रणनीतिक प्रौद्योगिकी साझेदारी और रक्षा औद्योगिक सहयोग को बढ़ाना। QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग्स एशिया 2024 हाल ही में ग्लोबल हायर एजुकेशन थिंक टैंक क्वाकोरेली सिमोन्स ने QS एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग्स एशिया 2024 जारी किया है, जिसमें एशिया भर के 856 यूनिवर्सिटीज़ की व्यापक सूची में भारत के 148 विश्वविद्यालय यानी यूनिवर्सिटीज शामिल हैं। ये जो रैंकिंग है, दुनिया भर में यूनिवर्सिटीज़ के प्रदर्शन उनकी क्वालिटी का मूल्यांकन करती है। इसमें आपको बता दें कि इसमें अकेडमिक जो ये भी कार्य प्रणाली है, इसमें अकेडमिक रेपुटेशन, फैकल्टी स्टूडेंट रेशियो, एम्प्लॉय रेपुटेशन, सस्टेनेबिलिटी इम्प्लॉयमेंट आउटकम्स, इंटरनेशनल रिसर्च नेटवर्क, साइटेशंस फॉर फैकल्टी, इंटरनेशनल फैकल्टी रेशियो और इंटरनेशनल स्टूडेंट रेशियो जैसे संकेतकों पर विचार कर रहा है। पेकिंग यूनिवर्सिटी चाइना, जो कि चाइना में है, उस सूची में शीर्ष पर है। इसके बाद हांगकांग यूनिवर्सिटी हांगकांग से और नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ सिंगापुर सिंगापुर से। कॉर्पैट एंड एक्स बोंगो सागर। इंडियन नेवी एंड बांग्लादेश नेवी बोंगो सागर 23 के बीच द्विपक्षीय अभ्यास का 4th संस्करण यानी 4th एडिशन बोंगो सागर 23 और दोनों नौसेना द्वारा गश्ती का 5th एडिशन हाल ही में बंगाल की उत्तरी खाड़ी में आयोजित किया गया था। दोनों नौसेना के जहाजों और विमानों ने अंतर्राष्ट्रीय समुद्री सीमा रेखा के साथ संयुक्त गश्त की और बाद में अंतर संचालनीयता बढ़ाने के लिए समुद्री अभ्यास किया। Recently, scientists have rediscovered the elusive Zaglossus attenboroughi, a long-beaked echidna named after naturalist David in Indonesia's Papua region. Echidna, monotreme samuh ka hissa, jeevit janm dene ke bajaye
अंडे देने वाला ये एक यूनिक प्लांट है। आपको बता दें स्पाइनी एंजुलेटर्स के रूप में भी जाना जाता है, जो अपने शरीर पर तेज भीड़ रखते हैं और मुख्य रूप से चींटियों और दीवों को खाते हैं। मुलावा बॉलिस्टिक मिसाइल रूस की नई न्यूक्लियर पावर सबमरीन इम्परेटर रेक्स एलेक्जेंडर 3 ने परमाणु हथियार ले जाने के लिए डिजाइन की गई बुलावा बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया। इस मिसाइल का विकास 1998 में शुरू हुआ। बुलावा मिसाइल का पहला संचार दौरान परीक्षण सितंबर 2005 में हुआ। इसका पहला जल नग्न परीक्षण प्रक्षेपण दिसंबर में हुआ और इसकी डिटेल्स आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। जो भी इसका लॉन्च वेट था, जो भी इसकी जो सॉलिड फ्यूल मिसाइल्स में यूज़ किए गए हैं वो। मॉर्गन स्टैनले फॉरकास्ट रॉबस्ट 6.5% ग्रोथ फॉर इंडिया के मार्केट। मॉर्गन स्टैनले रिसर्च ने भारत के लिए एक मजबूत आर्थिक प्रदर्शन की भविष्यवाणी की है, जिसमें FY24-25 दोनों में लगभग 6.5% की GDP वृद्धि का अनुमान लगाया है। रिसर्च एम्फसाइज़ेस दैट डोमेस्टिक डिमांड सपोर्टेड बाय रॉबस्ट फैक्टर्स विल प्ले अ क्रूशियल रोल इन सस्टेनिंग इंडियाज़ ग्रोथ ट्रैजेक्टरी। जियोपॉलिटिकल टेंशंस इन इज़राइल रेज कंसर्न्स अबाउट पोटेंशियल इंपैक्ट्स ऑन ऑयल प्राइसेस। द रिपोर्ट सजेस्ट दैट द RBI इज लाइकली टू मेंटेन इंटरेस्ट रेट्स अंटिल द फर्स्ट हाफ ऑफ 2024। 42nd इंडिया इंटरनेशनल ट्रेड फेयर 2023। The 42nd edition of the India International Trade Fair kicks off at Pragati Maidan in New Delhi. तो आपको बता दें इस प्रतिष्ठित कार्यक्रम का उद्घाटन केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग राज्य मंत्री अनुप्रिया पटेल करेंगे। इस महीने की 27 तारीख को चलने वाला 14 दिवसीय मेला वसुधैव कुटुंबकम की थीम पर केंद्रित है। 3000 से ज़्यादा प्रदर्शकों के साथ ये मेला भारत और विदेश दोनों से विविध प्रतिनिधित्व का दावा करता है। इस आयोजन में अफगानिस्तान, बांग्लादेश, ओमान, मिस्र, नेपाल, थाईलैंड, तुर्की, वियतनाम, किर्गिस्तान सभी मिलाकर 13 देशों के प्रतिनिधि सक्रिय रूप से भाग ले रहे हैं। 6th इंडिया ओपेक एनर्जी डायलॉग। द 6th हाई लेवल मीटिंग ऑफ द इंडिया ओपेक एनर्जी डायलॉग टुक प्लेस एट द ओपेक सेक्रेटेरिएट इन वियना, ऑस्ट्रिया, अंडरस्कोरिंग अ म्यूचुअल कमिटमेंट टू ग्लोबल एनर्जी स्टेबिलिटी एंड प्रॉस्पेरिटी। आपको बता दें इस बैठक के सह अध्यक्ष ओपेक के महासचिव महामहिम हैदर अल गैस और भारत गणराज्य के माननीय पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री और आवास और शहरी मामलों के मंत्री महामहिम हरदीप सिंह पुरी थे। इस बैठक के दौरान खुली और साफ चर्चा तेल और एनर्जी बाजारों से संबंधित महत्वपूर्ण मुद्दों पर केंद्रित थी और वैश्विक आर्थिक विकास और एनर्जी मांग में यानी ऊर्जा मांग में भारत की महत्वपूर्ण भूमिका को स्वीकार करते हुए पार्टियों ने विश्व तेल आउटलुक 2023 में स्वीकार किया। अब बात करेंगे उन लोगों के बारे में जो पिछले हफ्ते सुर्खियों में न्यूज में बने रहे और क्यों न्यूज में बने रहे। तो सबसे पहले बात करेंगे पंकज त्रिपाठी की। सो नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ने बॉलीवुड अभिनेता पंकज त्रिपाठी को UPI सुरक्षा राजदूत नियुक्त किया है, यानी UPI सेफ्टी एम्बेसडर के रूप में अपॉइंट किया है। ये स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप का उद्देश्य डिजिटल भुगतान प्रणालियों को यानी खास करके यूनाइटेड पेमेंट इंटरफेस UPI की सुरक्षा के बारे में बढ़ती चिंताओं को दूर करना है। आपको बता दें भारत में डिजिटल पेमेंट इकोसिस्टम ने उल्लेखनीय वृद्धि का अनुभव किया है, जो सरकारी पहल इंटरनेट और स्मार्टफोन की पहुँच में वृद्धि और ई कॉमर्स गतिविधियों में वृद्धि के कारण। एडमायरल राजेश धनकर विशाखापट्टनम में नौसेना डॉक यार्ड में आयोजित एक समारोह में रियर एडमिरल गुरचरण सिंह से पूर्वी बेड़े का प्रभाव मिला। एडमिरल राजेश धनकर की नौसैनिक यात्रा 1 जुलाई 1990 को शुरू हुई थी, जब उन्हें भारतीय नौसेना में नियुक्त किया गया। अपने 33 साल के करियर के दौरान एडमिरल धनकर ने युद्ध पोतों पर विभिन्न विशेषज्ञ नियुक्तियों में काम किया है, जिनमें पौंडीचेरी, गोदावरी, कोरा और मैसूर जैसे उल्लेखनीय जगह शामिल हैं। उनकी वीरता और उनके समर्पण की मान्यता में रियर एडमिरल राजेश धनकर को 2015 में नौसेना पदक से सम्मानित किया गया। डेविड कैमरून ऋषि सुनक ने डेविड कैमरून को फॉरेन सेक्रेटरी, विक्टोरिया एटकिंस को नए स्वास्थ्य सचिव और स्टीव बार्कले को पर्यावरण सचिव के रूप में नियुक्त किया है। 2010 से 2016 तक देश के नेता के रूप में काम करने वाले कैमरून के पास प्रचुर अनुभव है और वो इस पद के लिए एकदम सजग है। DV चंद्रगौड़ा भारत का राजनीतिक प्रदर्शी अनुभवी राजनेता और पूर्व मंत्री DV चंद्रगौड़ा के निधन पर शोक मनाता है, जिनका 87 साल की उम्र में निधन हुआ। आपको बता दें गौड़ा की शानदार राजनीतिक करियर को उनकी विविध भूमिकाओं, विधायिका के कई सदनों और विभिन्न राजनीतिक दलों के माध्यम से यात्रा द्वारा चिन्हित किया गया था। खास करके 1978 में अपनी लोकसभा सीट खाली करने के उनके निस्वार्थ कार्य के लिए मिला किया जाता है, जिसने पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के लिए आपातकाल के बाद एक उल्लेखनीय राजनीतिक वापसी का मार्ग प्रशस्त किया। PV आचार्य
नागालैंड के पूर्व राज्यपाल और वरिष्ठ भाजपा नेता पद्मनाभ बालकृष्ण आचार्य का 92 साल की एज में 11 नवंबर 2023 को मुंबई में निधन हो गया। आपको बता दें वो काफ़ी छोटी उम्र से राजनीति में सक्रिय रूप से शामिल थे। 1980 में भाजपा में वे शामिल हुए और राज्यपाल बनने से पहले पार्टी में विभिन्न पदों पर भी रहे और 1987 में उत्तर पश्चिम बॉम्बे जिले के भाजपा अध्यक्ष बन गए और उनके बाद 1989 में मुंबई भाजपा के समिति सदस्य बने। 1991 में उन्हें भारत के उत्तर पूर्वी राज्यों अर्थात अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम और नागालैंड का प्रभारी भाजपा का राष्ट्रीय कार्यकारी सदस्य चुना गया। लाला केदारनाथ अग्रवाल दूरदर्शी उद्यमी और प्रसिद्ध मिठाई और स्नैक्स ब्रांड बीकानेर वाले के संस्थापक लाला केदारनाथ अग्रवाल ने 86 साल की आयु में अंतिम सांस ली। आपको बता दें एक साधारण रेडी पटरी वाले से एक सफल व्यापारिक साम्राज्य के अध्यक्ष तक की उनकी यात्रा उनकी अदम्य भावना और समर्पण का परिणाम है। सुब्रत रॉय सहारा समूह के दूरदर्शी संस्थापक और अध्यक्ष सुब्रत रॉय ने 75 वर्ष की आयु में मुंबई के एक अस्पताल में अंतिम सांस ली। 1948 में बिहार के अररिया में जन्मे सुब्रत रॉय ने 1978 में सहारा इंडिया परिवार की स्थापना की। सहारा की वेबसाइट पर दी गई जानकारी के अनुसार पिछले कुछ सालों में कंपनी के विकास ने इसे उद्यमियता में अग्रणी रूप में स्थापित किया। सहारा को धन से संबंधित महत्वपूर्ण चुनौतियों का सामना करना पड़ा जो अब सहारा चिटफंड घोटाला के रूप में प्रसिद्ध है। कानूनी लड़ाइयाँ खास करके भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड और हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय से जुड़ी काफ़ी साल तक ये जो लड़ाइयाँ थी जारी रही और अब उनका निधन हो गया। आपको बता दें सहारा पूरे भारत में 5,000 से ज़्यादा प्रतिष्ठानों के माध्यम से काम करता है और सहारा इंडिया की छत्र छाया में उसके पास लगभग 1.2 मिलियन का कार्यबल है। सो फ्रेंड्स दैट्स इट फॉर टुडे, मिलते हैं नेक्स्ट वीक झलक में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो या किसी भी तरह से हेल्पफुल लगा हो या यूजफुल लगा हो तो प्लीज लाइक, कमेंट एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स और फैमिली। ऑल्सो सब्सक्राइब टू आवर चैनल फॉर मोर वीडियोस लाइक दिस एंड डोंट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकन फॉर अपडेट्स। थैंक यू।